पिछले कुछ दिनों से लगातार तापमान में वृद्धि हो रही है और पटियाला में तो अधिकतर तापमान 32 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है। तापमान में इस वृद्धि के साथ ही सभी जिलों में गर्मी बढ़ना शुरू हो गई है और आने वाले 3 दिनों में भी मौसम में बदलाव के साथ ही लोगों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने पंजाब में अगले 3 दिनों के लिए तेज हवाएं चलने के साथ ही हल्की बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार 28, 29 व 30 मार्च को पंजाब के अलग अलग जिलों में मौसम में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। पिछले कुछ दिनों से लगातार तापमान में वृद्धि हो रही है और पटियाला में तो अधिकतम तापमान 32 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है। तापमान में इस वृद्धि के साथ ही सभी जिलों में गर्मी बढ़नी शुरू हो गई है और आने वाले 3 दिनों में मौसम में बदलाव के साथ ही लोगों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रिंस गर्ग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी प्रिंस, पंजाब में तापमान में गिरावट देखी गई है, मौसम विभाग ने 3 दिनों के लिए बारिश के बारे में बताया है कि 3 दिनों 28, 29 और 30 मार्च को पंजाब के अलग अलग जिलों में मौसम कुछ बदलाव देखा जा सकता है, बारिश हो सकती है, इस पर क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, इस तरीके से मौसम में बदलाव देखे जा रहे हैं, मौसम करवट ले रहा है जी। तो उसी तरीके से मौसम जैसे देखा जाए कि पंजाब के सभी जिलों में अभी गर्मी की जो तपिश है, गर्मी की तपिश बढ़ती जा रही है, लोगों में वो गर्मी महसूस की जा रही है। पिछले जून जुलाई के महीने में गर्मी महसूस की जा रही है। चेन्नई की बात करें तो पंजाब की बात करें तो गर्मी, तेज धूप और तेज हवाएं, गर्म हवाएं वो अभी धीरे धीरे चलने शुरू हो चुकी है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि लगातार पिछले कुछ दिनों में जब तापमान से वृद्धि हुई है और ज्यादातर तापमान बढ़ चुका है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में जैसे 28, 29 और 30, जैसे आज कल और परसों, 3 दिनों की बात कर ले, पंजाब में जो गर्मी से लोगों को राहत मिलने वाली है, थोड़ी बहुत बारिश की संभावना भी है और मौसम की ठंडी हवाएं चलेंगी। कि मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक अलर्ट जारी किया है पंजाब के सभी जिलों में कि हल्की बारिश की चेतावनी है, हल्की बारिश हो सकती है, जिससे लोगों में जो गर्मी को लेकर गर्मी का इतना बढ़ा हुआ था उस लोगों को राहत मिलेगी। और पंजाब का जो तापमान है, क्योंकि फसलों की बुआई भी शुरू हो जाएगी अभी, उसको लेकर जमीनों की जो खुदाई करनी होती है, बुआई करनी होती है, उसमें भी जमीनों को भी थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलेगा। जमीनों की जो नमी है वो कम होगी और उसकी उपजाऊ शक्ति वो ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसके तापमान के साथ साथ लोगों के साथ साथ जो कहते किसानों की जमीन है उनको भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा किसानों को। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंस, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।